ग्रेजुएशन विच मैथ्स इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल सब्जेक्ट है मेरा कॉम्बिनेशन की होएगा थोड़े बहुत अच्छे वो ने जिहड़े तुहाडे तुसीं सब्जेक्ट ले ने कारण है ए तुसीं और लिखिया होया है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल है ग्रेजुएशन में मेरा कॉम्बिनेशन मेरे मैं ये लेके चल रहा हाँ कि तुसी मैथ इकोनॉमिक्स ते पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है जे इकोनॉमिक्स ते पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तुहाडा एस एस टी मेजर बन रहा है तो इधर मैथ बन रहा है पर मैथ ते एस एस टी यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है देख सकते हाँ मैथ्स के नाल इकोनॉमिक्स मिल रहा है इकोनॉमिक्स ना लैंगुएज है और मैथ्स ना लैंगुएज है और मैथ ना इकोनॉमिक्स ये तुहाडे कॉम्बीनेशन बनते हैं हुण इहदे विचों चूज़ तुसी की करना है ये देखना है कि मैथ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस इधर लिख लेने हाँ दूसरी शीट पे सौखा हो जाएगा मैथ इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस मैथ्स इकोनॉमिक्स पॉल साइंस ओके जे तुसी ज़्यादा इंटरेस्ट मैथ विच रखते हो मेरे ख्याल मैथ ही रखना चाहिए है जे तुहाडी नॉलेज इंटरेस्ट ग्रेजुएशन चो मैथ चो ज़्यादा हन तुसी कॉन्फिडेंट ज़्यादा हो वीक नहीं हो स्ट्रोंग ज़्यादा हो तो मैथ्स नू मेजर सब्जेक्ट लो मेजर लैन लई तुहाडे क्राइटीरिए पूरे हो रहे कोई अडिशनल ग्रेजुएशन च नहीं देना पै रहा गवर्नमेंट जॉब लई एलीजिबल बन रहे हो तीन साल तुसी पढ़िया होया है इलैक्टिव पढ़िया होया टी जी टी लई तुसी एलीजिबल बन रहे हो जे एम एस सी मैथ्स कर लेंदे हो तो पी जी टी लई भी एलीजिबल बन जाते हो और यह मेजर सब्जैक्ट तुहाडा मेजर माइनर का वैसे इत्थे तुसी कन्फ्यूज नहीं होना सो जे इंटरस्ट ज़्यादा है जे इंटरस्ट ये वीक हो मैथ विच इकोनॉमिक्स पोलिटिकल साइंस के बेस से एस एस टी ले लेना चाहिए है ये कुछ भी एक्सट्रा तो नहीं करना पड़ेगा पर सेंटर दियां पोस्ट लई नहीं तुसीं पंजाब च जे रहना चाहते हैं सेंटर दियां पोस्ट लई जोग्राफी या हिस्ट्री एक पढ़िया होना चाहिए है एस एस टी लेंदे हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ सारे ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਟਿਕ ਕੀਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਐਸ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਐਸ ਐਸ ਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀ ਏ ਦਾ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਬੀ ਏ ਦਾ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇਣਾ ਪੜੇਗਾ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਥ ਜਾਂ ਐਸ ਐਸ ਟੀ 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਵੈਸੇ ਨਾ ਲਓ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋਬਸ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੀ ਜੀ ਟੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਐੱਮ ਏ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਥ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸ ਐਸ ਟੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਸ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਲਰਨ ਟੂ ਐਕਚੁਲਾਈਜ਼